हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। डियर इन्वेस्टर, हम लोग जिस बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं, कैनरा बैंक लिमिटेड है। तो कैसे अभी इसके नतीजे आए हैं Q2 के, उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में विस्तार से। और अभी जो शानदार रैली बनी हुई है, वो कहां तक आपको आगे के टारगेट रख के चलने हैं, वो सब कुछ हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगातार कंपनी में हम लोगों के भी टारगेट हिट होते रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या रखना है वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। ऑलरेडी काफी अच्छा कंपनी ने रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड किया है। 1 ईयर स्तर पर देखा जाए तो अभी 1 ईयर भी नहीं, 10 मंथ पहले जब 103 रुपए के अराउंड था, और अभी देखिए इसका शेयर का प्राइस जा रखा है अराउंड 200 के पार। तो अभी कैसी कंडीशन है उसी को सब कुछ हम लोग विस्तार से समझते हैं और इसके चार्ट पे भी बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज, डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए, वहां पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा पावर का भी मैंने आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट एक्सप्लेन कर दिया है, तो जरूर से चेकआउट करिए ट्रेड्स। काफी गजब कंपनी के नंबर है या नहीं है वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के भी नंबर आ चुके हैं। NTPC, जो लोग नए इन्वेस्टर हैं सभी लोगों को मैं आपको बताऊंगा कि NTPC लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करिए, टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत 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 ज्यादा गजब कंपनियां हैं ये सब, और फ्यूचर के लिए काफी अच्छा भी है। तो आप अगर एकदम बिगनर हैं तो आप जरूर से इन कंपनियों में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। अगर आपका व्यू है कि मैं 3 ईयर 2 ईयर और इससे अबव होल्ड करके रखूंगा मैं, तो आप इन कंपनियों को जरूर चूज करिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन इनका सोलर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है सभी कंपनियों का, टाटा पावर, NTPC, ये बहुत तगड़ा रिटर्न बढ़ने वाला है। जिन लोगों ने YouTube पे ज्वाइन कर रखा उनका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन है, आप वहां से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैनरा बैंक को। ट्रेस 214.50 रुपए के अराउंड है, आज भी 10% तक की मूवमेंट रही, मतलब शानदार रैली बनी हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी इसमें होल्ड करके चल रहे हैं लगभग 135 रुपए के अराउंड से, और कहूँ ड्रेस तो बहुत शानदार कंपनी है। जब उन लोगों को रिकमेंड किया वो बोल रहे थे कि पहले अगर पता लग गया होता तो और भी इसमें हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते। तो काफी लोग हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन होल्ड करके चल रहे हैं, आपको भी जरूर खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए अभी आपको इसमें पता लग जाएगा। तो मार्केट कैपिटल ड्रेस आ जाती है 35,000 करोड़ से ऊपर की, जो कि एक बहुत बेहतरीन मार्केट कैपिटल है। अगर आप शेयर को करंट प्राइस पे भी खरीद लेते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 344 बुक वैल्यू इसकी हो चुकी है, जो कि लास्ट टाइम से इंक्रीज हुई है। पहले टाइम पे इसकी बुक वैल्यू 256 रुपए थी अराउंड, जब हम लोग इसको 5 मंथ और 10 मंथ पहले डिस्कस कर रहे थे तब इसकी वैल्यू 256 रुपए के अराउंड थी, और तब शेयर का प्राइस 103 रुपए के अराउंड था। तब भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप 250 का टारगेट इजिली लेके चलिए, और देखिए उसी के लक्ष्य में आज 214 रुपए के अराउंड शेयर आ गया है, और ये कंटिन्यू ही रखने वाला है ट्रेस। बोलने वाली बात नहीं होती है ट्रेस, अगर कंडीशन अच्छी रहती है तो शेयर जाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप खरीदे चाहे ना खरीदे शेयर तो जाएगा ही। बुक वैल्यू अभी 344 है, तो आप इसको 340 का टारगेट अभी से ही लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप प्रॉफिट ग्रोथ 341% बढ़ रखी है, सेल भी 12.3% बढ़ रखी है, क्वार्टर वाइज नंबर भी 6.47% इंक्रीज ही हुए हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.9 है, ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो 821 रुपए तक भी शेयर का प्राइस जा रखा है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, मतलब अभी तक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ये जो है अभी काफी अंडर वैल्यू मिल जाता है आपको, आपको जरूर से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। ये अच्छा बैंक एक तरीके से आ जाता है, और परफॉर्मेंस वाइज भी इस टाइम पे इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है। ट्रेंड की बात करें ट्रेस तो ट्रेंड में भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही है, और अच्छी खासी पेस के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है। इसके ट्रेस क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे आपको सितंबर के नंबर देखना है, लास्ट क्वार्टर के और लास्ट ईयर के नंबर देखना है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग से तो अभी लगातार ही इसके नंबर नेगेटिव में आ रहे हैं, पर क्योंकि अदर इनकम में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं वहां से इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर से देखा जाए ट्रेस तो लास्ट ईयर से इसके नंबर नेगेटिव के नेगेटिव भी हैं, और थोड़े बढ़े भी हैं लास्ट ईयर से फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर इनकम वाले में क्लियरली बहुत अच्छी ग्रोथ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो नंबर आ जाते हैं वहां पे 2019 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और लास्ट ईयर 648 का था। लास्ट क्वार्टर की बात करें वहां पे 1947, मतलब क्लियरली यहाँ पे बड़े नंबर हैं इससे, और नेट प्रॉफिट में भी यही सेम चीज आपको नजर आएगी,
जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखिए यहाँ पे 45 का टैक्स दिया है कंपनी ने, जबकि 28 का लास्ट टाइम था, तो बैंक ने सॉरी, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि क्लियरली अच्छी ग्रोथ है। टैक्स भी 45% तक पे करने के बाद भी कंपनी के जो नंबर है 1314 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैंक को आया है, तो एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट लॉस बुक पे भी नजर डाल लेते हैं एड्रेस, तो यहाँ पे बीच में देखिए पहले तो इसके कंडीशन अच्छी थी 2013 तक, ठीक है, उसके बाद से इसके नंबर नेगेटिव में हुए हैं फाइनेंसिंग वाले और लगातार नेगेटिव में ही जा रहे हैं। पर यहां से आप देखेंगे कि अदर इनकम के स्रोत हैं जो, वहां से लगातार इसमें ग्रोथ है और ग्रोथ बढ़ते पे बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए यहाँ पे 23 था, इस बार 26 चल रहा है और ओवरऑल दो क्वार्टर से ये प्रॉफिट में बैंक आ रहा है, तो ये बेहतरीन चीज यहाँ पे भी निकल के आ जाती है। इसीलिए लोगों के जो बढ़े हैं वो काफी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीजों की वजह से बढ़ी है। बाकी कैश फ्लो की बात करें ट्रेस, तो बहुत बेहतरीन कैश फ्लो रहा है अभी पिछले FI का 21 का, ये देखिए बहुत बड़े नंबर, तो बेहतरीन यहाँ पे कंडीशन है, रेशियोज अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं, तो आपको देखिएगा जो शेयर अच्छे रहते हैं, जैसे कि ट्रेस मैंने आज आपको NTPC भी डिस्कस किया, ठीक है, उसके अंदर भी आपको शेयर होल्डिंग्स के जो पैटर्न्स है उनमें भी कुछ यही चीज देखने को मिलेगी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसे उसमें 50% की थी, इसमें 62%, मतलब थोड़ी उससे ज्यादा है, पर आपको दिखेगा कि उसके बाद की जो होल्डिंग्स के पार्ट है जो बचते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं है, जबकि यहाँ पे DIs और FIs के पास है, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज होती है। सेम इसमें भी उसी तरीके से, क्यों? क्योंकि ये अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा शेयर की फाइनेंशियल कंडीशन, तो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं इनमें, और इनकी होल्डिंग्स देखिए पहले से इंक्रीज भी हुई है DIs और FIs की, आप देख सकते हैं 5.57 FIs की और 14.67 DIs की, पब्लिक की 16.83 आ जाती है, तो इस हिसाब से इसमें होल्डिंग्स है। अच्छा शेयर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है, तो अभी इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ट्रेस यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा सपोर्ट जोन, ये सेकेंड रेजिस्टेंस के अराउंड शेयर जनरेट कर रहा है इस अराउंड, तो आपको ये अगर डिप में मिलता है आप इसको क्लियरली बाई करिए, ठीक है, बेहतरीन कॉल आपको यहाँ पे मिल रही है। आपको इसको मैं मार कर देता हूँ 193.85 रुपीज से लेके आप इसको करंट लेवल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, पर एक अच्छा जोन के लिए ये रहा 193.85 से 203 रुपीज तक। पर अगर ये और आपको डिप देता है तो ट्रेस आप इसको 183 तक का भी लेवल मार्क कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेस इन लेवलों पे बाई करना कोई लॉस की बात नहीं है अगर आपका अच्छा खासा व्यू है। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेटेड, ये तो इनका खुद का होता है उसकी वजह से ये लोग ऐसा बता रहे हैं, बाकी कंडीशन वाइज ठीक नंबर है, कोई दिक्कत की इतनी बात नहीं है, जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है कंडीशन वाइज बेहतर है। आगामी टारगेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टारगेट होने वाले हैं, तो सबसे पहले ट्रेड हमको 223 का टारगेट मिलेगा, और उसके बाद के जो टारगेट हैं वो जैसे कि 237 मेंशन है। मैं आपको और बड़े टारगेट दे देता हूं इस पे, जैसे कि आपको मैं एक बार चार्ट क्लोज थोड़ा करके आपको मैं इस पे 250 तक का टारगेट, जैसे कि ऑल टाइम उस टाइम पे था, अभी हम लोग उसको और हाई कर लेते हैं, आप इस टारगेट को जो है 262 रुपीज तक लेके चल सकते हैं इस हिसाब से आप इसमें। और अगर आपकी होल्डिंग सभी भी नहीं है तो आप जरूर इस बैंक को खरीदिए, बहुत बेहतरीन बैंक है। स्टॉप लॉस की बात करें टेस, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी अगर चाहिए, वैसे मैं तो कहूंगा जो लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखते हैं वो लॉस में बुक करें ही ना प्रॉफिट, क्योंकि कंडीशन वाइज बेहतर है, तो आप इस तरीके से रख के चल सकते हैं। यही था टोटल कैनरा बैंक पे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।